सतगुरु की कृपा सब भक्तों के ऊपर एक समान होती है। जो उस कृपा को समझ लेता है, जान लेता है, वो अधिकारी बन जाता है, और जो उस कृपा को नहीं समझता, उस कृपा को नहीं जानता, वो नाकारी होता है। हमारे स्तोत्र में लिखा भी है कि गुरां जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी। कि जो सतगुरु की कृपा को जान लेता है, समझ लेता है कि मेरे गुरु महाराज, मेरे सतगुरु सदा ही मेरे अंग संग हैं, सदा ही मेरे साथ हैं, उसकी फिर पल पल गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं, पल पल गुरु महाराज संभाल करते हैं। और जो गुरु महाराज की कृपा को नहीं समझता, गुरु महाराज की कृपा को नहीं जानता, तो उसके साथ गुरु महाराज जी नहीं रहते फिर, और फिर उसकी संभाल गुरु करता नहीं है। जो गुरमुख गुरु से नाम लेकर भजन सिमरन नहीं करता, सेवा नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता निजम से, आरती पूजा नहीं करता निजम से, वो सेवक जो होता है वो फिर जन्म मरण में आता रहता है, वो भवसागर से पार नहीं हो सकता। भवसागर से पार होने के लिए गुरु भगवान के जो बताए हुए नियम हैं उनकी पालना करनी पड़ती है। गुरु महाराज किसी वस्तु के भूखे नहीं होते, ना कपड़े के, ना हार के, ना बर्तनों के, ना मठियाई के, ना फ्रूट के। गुरु महाराज तो तुम्हारे भाव के, तुम्हारी श्रद्धा के भूखे होते हैं। तुम यदि गुरु महाराज के सत्संग को सुनकर उस सत्संग के अनुसार चलते हो, गुरु दरबार की अनन्य भाव से, निष्काम भाव से सेवा करते हो, भजन सिमरन करते हो, तो गुरु महाराज जी सदा ही तुम्हारे पर दयाल रहते हैं। और यदि तुम विषय विकारों में फंसे हो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूप रस गंध शब्द स्पर्श में तुम्हारी चित्त वृत्ति रहती है, तो फिर गुरु महाराज तुम्हारे बंधन कैसे काटेंगे? गुरबाणी में लिखा है कि सतगुरु सिख के बंधन काटे, जो सिख विकार ते हाटे। सतगुरु सिख के बंधन काटता है, जन्म मरण के बंधन काटता है, स्थूल बंधन काटता है, सूक्ष्म बंधन काटता है। किस सिख के बंधन काटता है सतगुरु? जो सिख विकार से हट जाता है, जो विषयों से, वासनाओं से अपनी वृत्ति को हटाकर गुरु महाराज के श्री चरणों के साथ अपने मन को जोड़ता है, जो कहता है गुरु गुरु करो मन मोर, गुरु बिन मैं नाहीं और, जो उठत बैठत सोवत खावत हर समय अपने गुरु महाराज का ध्यान करे,
और कहे कि गुरु के सिवा तो मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, एक गुरु मेरा आसरा है, एक गुरु मेरा सहारा है, वो सिख चाहे अनपढ़ है, एक भी अक्षर नहीं जानता, चाहे वो जड़ बुद्धि का है, उसकी बुद्धि में विद्या नहीं आती, वो फिर भी विद्वान बन जाता है, महान ज्ञानवान बन जाता है।